अश्विन और जडेजा की जोड़ी इतनी कमाल है कि उनके सामने हर बल्लेबाज घुटने टेक देता है। टीम इंडिया के दो सबसे खतरनाक गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, जब ये दोनों साथ में मिलकर आते हैं तब कोई भी बल्लेबाज इनके सामने नहीं टिक पाता है, हर बल्लेबाज फेल हो जाता है। बात करें अगर हाल ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 जो हुई थी, अभी भारत में ही 4 मैच की टेस्ट सीरीज हुई थी जिसमें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था अश्विन को, तो 4 में से 2 टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था जडेजा को। भले ही मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड एक ही अश्विन को मिला था, लेकिन हकदार दोनों ही बराबर थे। उस 4 मैच की टेस्ट सीरीज में दोनों ने ही तहलका मचा दिया था। उस 4 मैच की टेस्ट सीरीज में जहां अश्विन लेकर गए थे 25 विकेट्स अपने नाम, तो वही जडेजा भी 22 विकेट्स लेकर गए थे। उस 4 मैच की टेस्ट सीरीज में दोनों ने मिलकर जोड़ी में कुल 47 विकेट चटकाई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उस समय अश्विन ने भी कहा था कि एक दूसरे के बिना हम एक जैसे नहीं रह पाते, दोनों की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि जब दोनों साथ में आते तो हर बल्लेबाज इनके सामने फेल हो जाता है। लेकिन ये सब सिर्फ यूं ही बातें नहीं है, स्टैट्स भी यही बोलते हैं। दोनों ने अब तक साथ में जोड़ी में मिलकर कुल टेस्ट में 495 विकेट चटका ली है। बात करें पहले अश्विन की, तो उन्होंने अब तक टेस्ट करियर में अपने कुल 93 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 486 विकेट चटकाई है। तो वही जडेजा ने 66 मैचेस खेले हैं तो 273 विकेट चटकाई है। तो दोनों ने मिलकर जोड़ी में कुल 48 मैचेस खेले जिसमें 495 विकेट मिलकर चटकाई है। अश्विन और जडेजा सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली दूसरी भारतीय जोड़ी है। अगर बात करें उस लिस्ट की कि टेस्ट के क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली वो कौन सी जोड़ियां हैं, पहले नंबर पे कौन सी हैं, तो एक बार उस लिस्ट पे नजर डालते हैं। भारत के लिए जोड़ियों में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली जो जोड़ी है पहले नंबर पर, वो है अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की। कुंबले और भज्जी की जोड़ी ने 54 मैचेस में कुल 501 विकेट चटकाई है। तो दूसरे पर अश्विन जडेजा की जोड़ी आती है जिन्होंने 48 मैचेस में 495 विकेट चटकाई है। तीसरे पर भज्जी और जहीर की जोड़ी है जिन्होंने 59 मैचेस में 474 विकेट चटकाई है। तो चौथे पर आती है अश्विन और उमेश की जोड़ी जिन्होंने 52 मैचेस में 431 विकेट चटकाई है। तो उसके बाद पांचवे पर है कुंबले और श्रीनाथ की जोड़ी जिन्होंने 52 मैचेस में 412 विकेट चटकाई है। पहले पर भले ही कुंबले और भज्जी की जोड़ी है, उन्होंने 501 विकेट चटकाई है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर अश्विन जडेजा की जोड़ी जिन्होंने 495 विकेट चटकाई है, अब अगला टेस्ट मैच होने वाला है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, दूसरा टेस्ट मैच त्रिनिदाद में, उसमें जैसे ही अश्विन और जडेजा की जोड़ी मिलकर अगर 7 विकेट्स भी चटका देते हैं तो वो भज्जी और अनिल कुंबले की जोड़ी को रिप्लेस कर पहले नंबर पर आ जाएंगे सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाली भारतीय जोड़ी की लिस्ट में। अब दूसरे टेस्ट में देखते हैं कि दोनों मिलकर कितनी विकेट चटकाते हैं, क्योंकि जब पहला टेस्ट मैच हुआ था तब भी अश्विन ने कुल 12 विकेट चटकाई थी, तो वही जडेजा ने 5 विकेट्स, यानी दोनों ने मिलकर तब भी जोड़ी में कुल 17 विकेट चटकाई थी। तो दूसरे टेस्ट में 7 विकेट्स तो वो चटका ही सकते हैं। देखते हैं कि दोनों मिलकर जोड़ी में कितने ज़्यादा विकेट चटकाते हैं, ये रिकॉर्ड पहले नंबर पर अपने नाम कर लाते हैं। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन दोनों की जोड़ी को दूसरे टेस्ट में देखने के लिए और फ्यूचर में देखने के लिए भी, मुझे फटाफट से कमेंट जरूर बताइए। आप देखिए तो फैन स्पोर्ट, इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा।